स्वागत है। मेरे नाल इस टाइम पंजाब विधानसभा के विरोधी धिर के नेता हरपाल सिंह चीमा जी, साढ़े चंडीगढ़ यूनिट तो चंद्रमुखी शर्मा जी, छाबड़ा साहब अपने चंडीगढ़ यूनिट के प्रेजिडेंट गर्ग साहब मौजूद ने। अज की प्रेस कॉन्फ्रेंस आम आदमी पार्टी चंडीगढ़ ते दिसंबर विच होने वाले चंडीगढ़ नगर निगम के चोणों तो संबंधित है। आपां पिछले कुछ दिनों वेख्या कि चंडीगढ़ दे विच आम आदमी पार्टी के प्रति एक बहुत उत्साह वेखण नूं मिल रहा है। बहुत वड्डे वड्डे लोगों ने आम आदमी पार्टी के प्रति अपना विश्वास जाहर करते हुए पार्टी ज्वाइन भी की। मेरे नाल छाबड़ा जी बैठे ने, चंद्रमुखी शर्मा जी बैठे ने, ते बेसाब ज्वाइनिंग्स हर दिन दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार के कामों नूं वेख के चंडीगढ़ च भी हो रही है। तो यह सारी सपोर्ट नूं वेखदे होए, इस उत्साह नूं वेखदे होए, तो जो हुंगारा चंडीगढ़ विच आम आदमी पार्टी नूं मिल रहा है, पार्टी ने फैसला किया है कि जो दिसंबर विच चंडीगढ़ दीआं नगर निगम चोणां होणीआं ने, आम आदमी पूरे जोश नाल, पूरे दमखम नाल 35 दे 35 वार्डां विच एमसी दी इलैक्शन विच पार्टिसिपेट करन जा रही है। इहदे नाल नाल मैं भी दसना चाहवांगा कि अज पूरे भारत विच एक चर्चा छिड़ी हुई है कि जे दिल्ली सरकार वो सारे काम कर सकती है जो अज तक रिवायती पार्टियां ने नहीं किए, तो हर स्टेट च भावें लोकल बॉडीज़ है भावें सूबा सरकार है, चर्चा जरूर होंदी है। उसी चीज़ को मुख रखते हुए अज की यह घोषणा की गई है। तो दिसंबर में होने वाली एमसी की जो इलेक्शन ने चंडीगढ़ दी, उसदे विच आम आदमी पार्टी पार्टिसिपेट करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। हरपाल सिंह चीमा जी ने कुछ पंजाब के इशूज से तुहानू रूबरू होना है, वो दसणगे, उस तो बाद फिर आपां सवाल जवाब करते हैं। धन्यवाद सारिआं दा। नवजोत सिंह सिद्धू दे जिहड़े सलाहकार ने, वह लगातार कश्मीर दे मुद्दे ते विवादत ते टिप्पणियां करदे रहे ने गे। लगातार वह कश्मीर दे मुद्दे नूं लैके पंजाब दी जनता नूं गुमराह कर रहे ने गे। मैं समझदा नवजोत सिंह सिद्धू अज पंजाब दी, हिंदुस्तान दी एकता ते अखंडता लई खतरा बने हुए ने गे। मैं कांग्रेस पार्टी के प्रधान सोनिया गांधी जी नूं, राहुल गांधी जी नूं, प्रियंका गांधी जी नूं पुछना चाहुंदा कि वह अपना स्टैंड स्पष्ट करन कि गांधी परिवार भी कश्मीर उत्ते भारत के कब्जे की गल कबूल करता या नहीं। गांधी परिवार नूं कश्मीर बारे दिते विवादित बयानों के उत्ते अपना पक्ष स्पष्ट करना चाहिए गा, क्योंकि यह जिहड़ी बेलोड़ी गैर जरूरी कंट्रोवर्सी जिहड़ी पैदा की जा रही आ, यह नवजोत सिंह सिद्धू की एक सोची समझी चाल आ। क्योंकि नवजोत सिंह सिद्धू जदों दे प्रधान बने ने गे उदों तों लैके लगातार पंजाब दे लोग उन्हां तों सवाल पुछदे ने गे कि जिहड़े वादे 2017 दे विच कांग्रेस पार्टी ने कीते सीगे, चाहे वह घर घर रुजगार की गल सी, चाहे मारू बिजली समझौतियां की गल सी, बेरोजगारी भत्ते की गल सी, घर घर नौकरी की गल सी, किसानी कर्जे की गल सी, रेत माफिया, केबल माफिया, ट्रांसपोर्ट माफिया की गल सी, बेरोजगारा टीचरों के उत्ते अत्याचार की गल सी, कच्चे मुलाजम पक्के करन की गल सी। जदों इस तरह के सवाल सरदार नवजोत सिंह सिद्धू जी नूं पुछे जाते हैं, जदों कांग्रेस के प्रधान जी नूं पुछे जाते हैं, तो लोगों का ध्यान भड़काउण दे लई इस तरह के विवादित बयान जिहड़े ने नवजोत सिंह सिद्धू के सलाहकार नवजोत सिंह सिद्धू नाल सलाह करके दिंदे ने। सो आम आदमी पार्टी मंग करती आ कि कांग्रेस पार्टी के जिहड़े उच्च अहुदेदार ने, सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, वो इस मुद्दे ते अपना स्टैंड स्पष्ट कर। देखो जेकर नवजोत सिंह सिद्धू ने अपने सलाहकार रखे ने तो हो ही नहीं सकता कि नवजोत सिंह सिद्धू का या जिहड़े उन्होंने सलाहकार ने उनका परसनल बयान होवे। उन्होंने कलैक्टिव रिस्पोंसिबिलिटी बनती है, यह उन्होंने अपना बयान आ। सो इस बयान तो हरीश रावत जी पला नहीं झाड़ सकते, इस बयान तो हरीश रावत जी अपना खेड़ा नहीं छड़ा सकते, उन्होंने नैशनल प्रेजिडेंट जो है अपना स्टैंड स्पष्ट करना चाहिए। साहब
देखो पंजाब दे साबका मिनिस्टर पंजाब दे मौजूदा एमएलए राणा गुरजीत सिंह सोढ़ी जी जेड़े एक प्राइवेट मिल चलाउंदे ने के उन्हां दा गन्ना विकास बोर्ड का मैंबर बनना जेड़े के प्राइवेट मिल चलाउंदे ने जिन्हां दा अपना करोड़ों रुपये का बकाया पंजाब दे लोकां वल खड़ा गा पंजाब दे लोकां तो ने उस मिल तो लैणा गा वह किस तरह मुल बता सकता गा। सो मैं नवजोत सिंह सिद्धू जी नूं पुछना चाहुंदा गा सुखी रंधावा जी नूं पुछना चाहुंदा गा कैप्टन साहब नूं पुछना चाहुंदा गा कि तुसी केड़ी मजबूरी दे तहत राणा गुरजीत सोढ़ी जी नूं विकास गन्ना विकास बोर्ड का सॉरी राणा गुरजीत जी नूं तुसी किस कंपल्शन दे तहत मैंबर दा बोर्ड दा मैंबर बनाया गा क्योंकि पूरा पंजाब जानदा गा कि राणा गुरजीत जी उन्हां दी मिल वल लोकां दा करोड़ां रुपया पंजाब दे गन्ना काश्तकारां दा करोड़ां रुपया बकाया खड़ा गा। सो उसे व्यक्ति नूं बोर्ड दा मैंबर लाउणा जिन्हें कि मुल निर्धारित करना गा इस गल दी गवाही आ कि दुध दी राखी ते बिल्ले नूं जिहड़ा हैगा कांग्रेस पार्टी ने बिठाता और कांग्रेस कैप्टन साहब नवजोत सिंह सिद्धू जी रंधावा साहब अपना स्टैंड स्पष्ट करन बार बार ट्वीट करके इदां दी गल्लां ना करन क्योंकि नवजोत सिंह सिद्धू जी कांग्रेस पार्टी दे एमएलए नेगे नवजोत सिंह सिद्धू जी कांग्रेस पार्टी दे प्रधान नेगे एक ऑर्गेनाइजेशन ते एक सरकार जिहड़ी आ उह तां ही सही तरीके नाल काम कर सकदी आ जेकर दोने इकट्ठियां चलणगियां। नवजोत सिंह सिद्धू लगातार लोक मसलियां नूं ध्यान भड़काउण दे लई जिहड़ा हैगा उह इस तरह दे ट्वीट करदे नेगे जदकि उहनां दा फर्ज बणदा हैगा कि उह सरकार नूं ताड़ना करन कैप्टन साहब नूं बुलाउण खेतीबाड़ी मिनिस्टर साहब नूं बुलाउण बुला के तुरंत जिहड़ा हैगा गन्ना काश्तकारां दी समस्या दा हल करन और घट्टो घट प्रति क्विंटल 400 रुपये दा वाधा होना जरूरी आ क्योंकि बहुत सारे राज्यां दे पिछे जिहड़ा हैगा बहुत घट रेट जिहड़ा पंजाब दे काश्तकारां नूं मिल रिहा हैगा। सो घट्टो घट हैगा 400 रुपये प्रति क्विंटल दा वाधा होना जरूरी आ। देखो साडी समुची टीम जिहड़ी आ जलंधर दी दुआबे दी ओह बिलकुल ओह संघर्ष दे नाल डट के खड़ी हैगी। सो आम आदमी पार्टी गन्ना काश्तकारां दी इस मंग दा भरपूर समर्थन करदे आगे आम आदमी पार्टी उहनां दे नाल खड़ी आ ओह घट्टो घट जिहड़ा मुल आ ओह 400 रुपए प्रति क्विंटल वाधा होना चाहीदा। सलाहकार ने पोस्ट पाई है जिसे कि संकेत दिता भी इंदिरा गांधी 1984 के सिख संग्राम की कातल थी यह भी गलत बयानबाजी है। देखो जेडे बयान दे रहे ने गे चाहे सलाहकार ने या नवजोत सिंह सिद्धू जी ने यह हो नहीं सकता कि नवजोत सिंह सिद्धू दे सलाहकार नवजोत सिंह सिद्धू नाल सलाह करे तो बगैर कोई बयान दिंदे होण। यह सारे बयान जिहड़े हैगे ने इहदे पिछे नवजोत सिंह सिद्धू आ बड़ा स्पष्ट करदे आ कि यह सच आ कि पंजाब विच कैप्टन साहब ने 4.5 साल दे विच कोई काम नहीं किया कोई भी जिन्ने वादे 2017 च किए सीगे वह पूरे नहीं किए। नवजोत सिंह सिद्धू नूं असीं बार बार यही सवाल पुछदे हां कि तुसीं सरकार दा हिस्सा होगे तुसीं उस पार्टी दा प्रधान हो जिहड़ी पार्टी की सरकार पंजाब चल रही आ तुसी विरोधी धिर वांगू रोल ना निभाओ तुहाडी फर्ज बनता गा कि तुसी तुरंत सरकार से कार्रवाई करो तुरंत कैप्टन साहब से कार्रवाई करो तुरंत मिनिस्टर से कार्रवाई करो कार्रवाई करके पंजाब के लोगों के मसलों से गल हल कराओ ना कि बयानबाजी करो बयानबाजी बंद करके काम होने चाहिए ने। देखो आप सारे ने वेख्या पंजाब यूनिवर्सिटी ते सेंटर गवर्नमेंट किस तरीके आरएसएस दे अहुदेदारां नूं काबज करन ते लगी हुई है जिथे तक मसला दिल्ली सरकार का है तो दिल्ली सरकार हर पास्यों इस मामले नूं सपोर्ट करेगी। मैं एक गल होर ऐड करना चाहवांगा तुसी भाई साहब जो पुछिया सी अज दे अखबारां दीआं सुर्खियां ने कैप्टन साहब ने पंजाब कांग्रेस के प्रधान नूं कहा
कि अपने सलाहकार लगाम लगाओ। हुण जे तां पंजाब कांग्रेस के प्रधान सहमत ने अपने सलाहकार की गल्लां नाल ते उन्हूं स्वीकार करन, नहीं तो उन्हूं कंडेम ते करन। हले तक इस चीज़ का कोई स्पष्टीकरण, रावत साहब आ गए ने उत्थों पर पंजाब कांग्रेस के प्रधान वालों कोई स्पष्टीकरण नहीं दिता गया। इस चीज़ का सब तो वड्डा प्रमाण है कि उन्होंने कहने ही ऐदा की एडवाइस, ऐदा के बयान उन्होंने एडवाइजर वालों दिते जा रहे हैं। देखो पार्टी विच जो एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी हो रही है वह किसी तो लुकी नहीं, भावें अज के अखबार चक लो भावें पिछले, मैं तो कहना 1.5 साल के अखबार चक लो। नवजोत सिंह सिद्धू जी तो कैप्टन अमरिंदर सिंह दे विच जो लड़ाई है वह पूरे तरीके नाल बच्चे बच्चे नूं पता जग जाहिर हो चुकी है, तो हले तक थम्मण दा नाम नहीं लै रही। साडा सवाल सिर्फ यही है, सानूं सिर्फ दुख इसे गल का लगता है कि जो वेला पंजाब दे लोकां नूं अपने 4.5 साल के कामां दे हिसाब देण दा सी वह सारा वेला इस कलेष विच जाया कर रहे ने। पंजाब दे लोक अक गए ने रोज रोज दे कांग्रेस दे कलेष तों, ते लोकी हिसाब मंगदे ने भी 4.5 सालां च की काम तुसी कीते आ। कोई लड़ाई नहीं हैगी भगवंत मान जी नाल, हुणे मेरी गल होई है किसी कारण करके अपने परिवारक परिवार दे विच ने ते कल तो तुहानूं एक्टिव दसणगे, कोई इदां दी लड़ाई नहीं हैगी। किसी एक का कोई विचार हो सकता जी, वेखो साढ़े सिर मत्थे ते ने पुराने सारे वॉलंटियर्स, मैं उस दिन भी कहा सी सारे नींह दी इट्टां ने जिहड़ियां बिल्डिंग खड़ी हुंदी है ना, सारे वॉलंटियर्स का पूरा सत्कार है। कोई एक अद्धे की कोई बयान होवे ते उहदे ते मैं कमेंट कर नहीं सकदा। कोई इस सवाल का वो नहीं है, पूरे पंजाब च सारा कमांड पंजाबियों ने संभाली है। भगवंत मान जी दिल्ली तो ने, चीमा साहब मेरे नाल बैठे ने दिल्ली तो ने, नैशनल पार्टी है ठीक है, कोऑर्डिनेशन होंदा स्टेट ते सेंटर दे विच वो चल रहा है, बेहतर तालमेल चल रहा है। बिलकुल ऑब्जर्व किया पिछले 2 हफ्तिया की स्ट्रेंथ है साडी चंडीगढ़ विच, ते सब तो पहली गल ते लोकां वल्लों बहुत ज्यादा सपोर्ट है। लोकी अक गए ने बीजेपी दे जो कूड़े का ढेर चंडीगढ़ नूं बनाता है, जो बीजेपी ने पिछले इलेक्शन च वादे किए सी उन्हां च कोई वादा इत्थे पूरा नहीं कर सकी कारपोरेशन विच, लोकी करप्शन तो तंग आ गए ने। यह सारे मुद्दों ते लोकी परेशान ने, ते संगठन आम आदमी पार्टी दा जिथे गल है आपां सारा ऑब्जर्व किया है, हर वार्ड लेवल ते बहुत शानदार स्ट्रक्चर बन गया, ते आने वाले दिनों च तुसीं वेखोगे कि किस तरीके घर घर जाके आपां अरविंद केजरीवाल मॉडल का प्रचार भी करांगे, ते इलेक्शन लड़ांगे भी, ते इलेक्शन जितांगे भी। थैंक यू जी। सोलह लंघ गया, हुण आपां 21 खड़े आ, ते सोलह च नहीं लड़ी सी ते हुण लड़ रहे आ ते जित्तांगे भी। सोलह च जो कसर पंजाब च रह गई सी हुण 21 च पंजाब सी पूरी होई। थैंक यू, ठीक है, थैंक यू।